तुमने मुझे इतने इंपॉर्टेंट काम से रोक कर मुझे खिसकी लाया। मुझे लगा था कुछ काम की चीज बताओगे, लेकिन तुम एक लड़की के चक्कर में मुझे यहाँ पर लेके आए हो, ऐसा बोल के उसे डांटने लगता है। डांट बोलता है, तुम्हें किसी भी कीमत पे ये तो करनी पड़ेगी। वो चाहे अपने भाई को बोलता है, अरे शेर तुम्हें यही लड़की चाहिए, देखने से ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली बहुत बड़ी फैमिली में पली बढ़ रही है, तुम इसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओगे। तभी जाट बोलता है, मेरा एक ही मकसद है, एनोंग को जीतना, एनोंग मुझे चाहिए, ऐसा वो बोलता है। वो स्मेल करता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद एनोंग जाट को अपने पास बुला लेती है और नीचे आती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है, जो एनोंग होती है उसको चैट बोलता है, ये मेरा भाई है। एनोंग स्माइल करती है और बोलती है, ये वही भाई है ना जिसका ट्रेन तुम छुड़वा के यहाँ पर लेके आए हो, वो तुम्हें मारेगा तो नहीं? ये सुनने के बाद वो स्माइल करके बोलती है, बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और बस ये है कि उसको ना सब लोग साधु बोलते हैं, क्योंकि इसको दुनियादारी कुछ पता ही नहीं है। ऐसे निकाह तो स्मेल करती है। एनोंग बोलती है, शाम को उसको पार्टी पे लेके आना, पार्टी पे हम उसका अच्छे खासा वेलकम कराएंगे। शाम को हमें दिखाया जाता है पार्टी पे, जहाँ पर बहुत ग्रैंड पार्टी लग रही होती है, जो एनोंग की फैमिली ने दिया। और हम देखते हैं अब पार्टी वाला सीन, जहाँ पर चैट काफ़ी एक्साइटेड लग रहा होता है, क्योंकि आज उसकी कंपेनियन की उसके फीमेल पार्टनर थी एनोंग। वो बोल रहा होता है कि मैं तो पूरी रात यहाँ पर एनोंग के साथ डांस करूँगा, सुबह हो जाएगी तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर कोई और होटल रूम बुक करवा दूँगा। ये सुनने के बाद स्माइल करता है, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं होटल रूम बुक करवा दूँगा, ऐसा वो बोलता है। वो स्माइल करता है और वो बोलता है, तुम्हें तुम ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने औकात से बाहर की लड़की के ऊपर ट्राई कर रहे हो, बहुत मुसीबत होगी। वो बोलता है, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। और तभी एनोंग एंट्री लेती है, एनोंग काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। और वहाँ पर अब जाके जो वो चाहिए था उससे हेलो हाई करती है और वो बोलती है, आई होप आप यहाँ पर बोर ना हो। और ये सुनने के बाद वो बोलता है, हाँ आप लोग एंजॉय करो, मैं यहाँ पर वेट करता हूँ आप लोगों का। वहाँ पर वो लोग नाचने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और जो एनोंग होती है वो चाय के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारे भाई के बारे में तो कभी बताया नहीं तुमने, और इतना सस्पिशियस क्यों है, इतना शांत क्यों है। ये सुनने के बाद उसका भाई यानी कि चैट बस ये बोले जा रहा होता है कि मैंने ऐसे नहीं बोला था, मेरा भाई कोई साधु संत जैसा है, उसे दुनिया में किसी भी चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हर बार जो एनोंग होती है वो डांस कर रही होती है, उसी समय पर चैट उससे हाथ छूट गया था और वो दो तीन बार कंटिन्यूसली ऊंचाई के ऊपर गिर रही थी और सॉरी बोल के भागती है, फिर बाद में दोबारा उसकी के ऊपर आके गिर रही थी। और हमें ये दिखाया जाता है, जो चैट होता है वो उसे बोलता है, मेरे भाई से थोड़ा दूर रहा कर, वो ना इतना सिंपल नहीं है, बोल के उसका छेड़ रहा होता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है, जो ऊंचाई होता है वो अपने हाथ पे एक लॉक देखता है, जहाँ पर शायद एक तो उसके डैड थे, पता नहीं एक और फोटो दिखा नहीं, लेकिन बार बार उस फोटो को देख रहा होता है। उठ के जाने वाला था, फिर से एनोंग उसके ऊपर गिर गई। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही फिल्मी सिचुएशन जैसा बन रहा था, मतलब दोनों का रोमांटिक आइलक वाला मोमेंट दिखाया जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है उसी समय पर जो चैट होता है आता है और बोलता है, तो फाइनली तुमने भी इवेंट ज्वाइन कर रेल में सोच लिया, तो कोई बात नहीं डांस कर लो। और हमें ये दिखाया जाता है वो हाथ पकड़ता है, हाथ ऐसे मांगता है, और एनम को लग रहा था उसने मांगा है उससे डांस करने के लिए, हाथ देने वाली थी। तभी वो अच्छा ही बोलता है, मुझे होटल रूम का की दो, मुझे सोने जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, बोलता है और वहाँ से चला जाता है। एनम बहुत एम्बेरस होती है और वो सोच रही होती है, क्या नमूना बंदा है ये। और हमें दिखाया जाता है सुबह वाला सीन, जहाँ पर जो एनम होती है उसके कमरे में शोर शराबा आ रहा होता है और ऊंचाई वहाँ पर जाता है। पता चला कि एनम की मॉम का रिंग गायब हो चुका था, जो एनम हमेशा पहना करती थी। वो होटल को सर पे उठा रही थी और होटल वाले उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर मिल जाए तो हम आपको दे देंगे, प्लीज़ होटल का रेपुटेशन बहुत ख़राब होगा मैम, प्लीज़ बोल के उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। बाद में जैसे तैसे वहाँ पर चैट आता है और वो एनोंग को समझाता है कि अगर मिलता है तो हम बाद में रून के भिजवा देंगे, टेंशन मत लो, अभी तुम अपना तबीयत खराब मत करो। वो मान जाती है। और हमें ये दिखाया जाता है जो एनोंग होती है उसका ये जो रवैया था, जो चाहे था उसे अजीब लग रहा था, पता नहीं वो लेकिन बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस तरीके से उसे देख रहा होता है। बाद में हमें दिखाया जाता है ये लोग होटल से निकलने ही वाले थे, उस समय पे एक मेड आती है और उसके बाद वहाँ पर ऊंचाई जाता है और ऊंचाई को वो रिंग देती है। एनोंग जो ऊंचाई होता है वो एनोंग के पास आके वो रिंग उसे लौटा देता है। और तभी
उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो मैड है उसने चुराया होगा, क्योंकि पूरे होटल में ढूंढने के बावजूद भी जो रिंग मिला नहीं था वो रिंग अचानक से मिल गया, काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस था। और तभी उचाई बोलता है कि तुम लोग इस तरह से किसी के ऊपर भी जजमेंट मत बनाओ, ये सही बात नहीं है। ये सुनने के बाद जो उचाई होता है उसको अनु बोलती है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी उसके जो फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं, इसके कपड़े देखो, तो कपड़े से लग रहा है कि ये तो एक नंबर की चोर होगी, तो पक्का इसने किया होगा। ये सुनने के बाद जो अनु होती है उसको देखता है और हमारा ऊंचाई होता है, वो बोलता है किसी का कपड़ा ये डिसाइड नहीं करता कि उसका क्लास क्या है, उसका लेवल क्या है, और वो चोर है या नहीं, और किसी का ना पढ़े लिखा होना या फिर अमीर होना ये डिसाइड नहीं करता कि उससे ऊपर वाला स्मार्ट बना के भेजा हुआ हो, उसमें भी बहुत पंगे हो सकते हैं। ऐसा वो बोल देता है, उसका मुंह बंद करवा देता है और हमें दिखाया जाता है। ये देखने के बाद एनो को ये बंदा बहुत ज़्यादा ही इरिटेट लग रहा होता है, लेकिन बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करती। लेकिन एनो ने ये चीज़ बहुत सस्पिशियस तरीके से उसे देख रही थी कि क्या फ़र्क पड़ रहा है इसको इस सब चीज़ों से। अब हमें यह दिखाया जाता है वो चाय और चैट घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद हमें यह दिखाया जाता है जो चैट की मॉम होती है वो काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि ये लोग घर पे आने की जगह पे पहले वो ऐसे ट्रिप होके आए थी, वो डांट रही होती है। बाद में जो ऊंचाई था वो सबके लिए गिफ्ट लेके आया था जिससे उस सबका मूड सही होता है, लेकिन ऊंचाई को देख के ऐसा लग रहा था कि वो वापस ऐसे यूं ही तो नहीं आया था। और हमें यह दिखाया जाता है जो ऊंचाई था उसको मॉम बोल रहे होते हैं कि तुम लोग उसी लड़की के साथ थे। ऊंचाई समझ नहीं पाता, लेकिन इसे हम जान सकते हैं कि जो एनोंग है उसको इस फैमिली में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। और हम देखते हैं पैरेलली एनोंग एनोंग घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद उसका जो असिस्टेंट था वो वहाँ पर आता है और वो बोलता है आपका ट्रिप कैसा था। ये सुनने के बाद एनोंग बोलती है मेरा ट्रिप तो ठीक था, लेकिन वो आया तो नहीं है ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं नहीं आ चुके हैं। एनोंग भाग के ऊपर जाती है, उससे पहले उसका जो ब्रदर था जो स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है सीन, उसको दिखाया जाता है, वो उसे डांटने लगता है तुम इतने केयरलेस हो, घर आने से पहले तुम लड़कों के साथ नाइट आउट कर रहे हो। वो उसे बोलते हैं मैं अब तुम्हारी वो छोटी वाली बहन नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये सुनने के बाद जो जेन था वो उसे समझा रहा होता है कि तुम अब बड़ी जरूर हो गई हो, लेकिन ये भी इस चीज़ भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी फैमिली तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती। तभी एनोंग उसको क्लियरली बताती है कि मैं कौन सा उसको लाइक करती हूँ, मेरा बस दोस्त है, दुनिया बदल चुका है, तो थोड़ा अपना नज़रिया भी बदलो, बोल के उसे समझा रही थी। पैरेलली जो ऊंचाई थी, ऊंचाई और चाट की मॉम चार को बहुत डांट रही होती है कि उससे एनोंग को बोलना होगा, एनोंग से बेटर लड़की मिल सकती है, और किसी एक लड़की के नाम लेकर ये बोले जा रही होती है कि किसी भी कीमत पे तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करती है, उसका अच्छा खासा नाम है। लेकिन चैट उनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन कर नहीं रहा था, ना ही इंटरेस्ट दे रहा था। वो चाय को दिखाया जाता है अंदर कमरे में जाता है और उसके बाद एक लॉकर खोलता है, और उसके बाद सीधा हम एक और सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो चाय एक सोमपंग नाम के लड़का जो कोमा में ऐसे एडमिटेड टाइप का था, बीमार दिख रहा था, उसके घर पे गया हुआ था जहाँ पर उसकी वाइफ उसका देख देख कर रही थी। बाद में हमें यह पता चलता है जब तक ऊंचाई वापस थाईलैंड नहीं आया था तब तक सोमपांग के पास कोई आया नहीं था। दिखने से ऐसा लग रहा था जो सोमपांग ये शायद उसी फैमिली का बेटा है, और उसने उसके फैमिली के अगेंस्ट जाकर मतलब ऊंचाई की मॉम और डैड की उसके अगेंस्ट जाकर शादी की, इस बात की वजह से आज उसको ये लाइफ जीनी पड़ रही है। और जो सोमपांग है उसकी वाइफ उसे क्लियरली बताती है कि आप होते हो तो तब आते, वरना कोई नहीं आता, ना ही कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ये हाल सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, उसे समझाता है कि जब तक मैं हूँ तब तक सोमपांग प्रॉब्लम में नहीं हो सकता, तुम टेंशन मत लो। वो चाय सांपों के घर के बाहर निकलता है, उसकी गाड़ी जो पुरानी हो चुकी थी उसको थोड़ा साफ करके उसको चला के बाहर तक जा रहा होता है। उसी टाइम पे उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, बाहर रास्ते में होता है, उसी समय पे वहाँ पर आ रहे होते हैं हमारा चार और एनोंग। और उसके बाद जो चार था वो उसके हेल्प करने के बारे में बोलता है, वो बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत है नहीं। तभी चार उसके लिए वो एक मैकेनिक को भेजवा देता है। और हम देखते हैं अब घर पे जाने के बाद जो एनोंग थी, एनोंग और चार साथ में गए हुए होते हैं। एक्चुअली चार का घर था और उस समय पे उसकी मॉम को बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा था, चल क्या रहा है, और वो अपने बेटे को बेटे नंबर टू यानी कि जो वही चाहिए उसको बोल रहे होते कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये देखो
देखो। और उसके पास कुछ फोटोज थे जो एनुंग जो थी वो बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसे इंजॉय कर रही थी, मतलब गलत हुए मैंने, लेकिन हाँ थोड़े वो ओपन विचारों वाली लड़की थी। और वो बोल रही होती कि ऐसी लड़की को अगर हम अपने घर की बहू बनाएंगे तो बहुत रेपुटेशन ख़राब होगा, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ होने से रोकना पड़ेगा। और मैंने ये तक सुना हुआ है कि जो चाट है उसने उसके गाड़ी गिफ्ट की है। तभी उचा बोलता है, मॉम इस बात में मैं कुछ कर नहीं सकता, वो उसका पर्सनल लाइफ है और वो बड़ा हो चुका है, बच्चा नहीं है, बोल के समझा रहा होता है, लेकिन मॉम बिल्कुल भी नहीं सुनती। एज वेल एज हमें ये दिखाया जाता है जो ऊंचाई होता है वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व तो कर रहा था। और हमें अब अगले सीन में ये दिखाया जाता है, हम अब अगले वाले सीन में देखते हैं एनोंग के पास उसके भाई आते हैं, इवन उसके कजन ब्रदर भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। और सबका कहना ये था एनोंग बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ चुकी है और वो पॉपुलर भी है, इसके चक्कर में अब उसे किसी न किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी क्योंकि रेपुटेशन बहुत ख़राब होने वाली है उसके खानदान का। ये सुनने के बाद एनोंग समझाने की ट्राई कर रही थी, इतनी इजीली मैं शादी करूंगी तुम लोगों को ऐसा लगता है? उसके चारों भाई बोलते कि क्योंकि मैं किसी को ऐसे बिल्कुल भी जज करते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोले। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि क्या इतना मैटर करता है? उसके भाई बोलते हैं हाँ आज मैंने तुम्हारे लिए किसी को बुलाया हुआ है तो रेडी हो जाओ दुल्हन बनने के लिए, बोल के उसको तो बोले जा रहे होते हैं। एनुंग परेशान होती है, वो सोचती है भगवान कहाँ फंस गई। और हमें ये दिखाया जाता है बाद में वो जेंग को अकेले समझाने की ट्राई करती है ये ना करे, लेकिन जेंग भी उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो लेके जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है ऊंचाई था, ऊंचाई को देखने वाला तो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहा है? एनुंग बोलती है इसके साथ मेरा रिश्ता पक्का किया? ये सुनने के बाद उसका भाई जेंग बोलता है नहीं नहीं ये वो नहीं है। और तभी हमें पता चलता है ऊंचाई और जेंग क्लासमेट हुआ करते थे, बाद में जब उसने LLB को की उस टाइम पर भी वो दोनों एक दूसरे को जानते हुए से कर ली, दोनों का लीक थे। तब जाके जो एनोंग थोड़ा सुकून की सांस लेती है और वो ये नहीं बोलते कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और हमें दिखाया जाता है एनोंग को तो बाहर की तरफ लिया जाता है जहाँ पर रियल उसका बंदा आया हुआ था, मतलब उसको देखने के लिए, उससे रिश्ते की बात करने के लिए, बेसिकली एनोंग को पसंद करने के लिए। और ऊंचाई के साथ बैठ कर जो जिंग था वो बात करने लगता है। उस समय पर हमें ये पता चलता है एक केस से रिलेटेड कुछ फाइल्स को देने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था और बाद में दोनों ऐसे साथ वाले साथ थे इसीलिए बात करने लग जाते हैं। बाद में हमें ये दिखाया जाता है जो एनोंग थी वो उस बंदे से मिलती है जो उसको देखने के लिए आया हुआ था, मिस्टर रिचर्ड। रिचर्ड ओ गॉड, ये बंदा तो अलग ही तरह का सेल्फ ऑब्सेस था, उसको बस अपने आप के बारे में बताना पसंद था और वो एनोंग को बिल्कुल भी अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा था। और ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर वो बस बात करने के लिए आया है, ऐसा हक जता रहा था एनोंग के ऊपर और उसके फैमिली के ऊपर। इनफैक्ट उसको देखने के लिए आया उसके लिए तो यहाँ पर फॉकरी की बात होनी चाहिए, इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था, बेसिकली एनोंग की फैमिली को ऐसे मिस्ट्रीट करने की ट्राई कर रहा था। वो चाहे वहाँ पर आता है और उस टाइम पर एनोंग जो थी वो उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए बोलती है कि एक्चुअली मैं इसके भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसका भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों चढ़ी बड़ी है। जो सुनने के बाद उसको थोड़ा अटैक ही लगता है। और बाद में जो ऊंचाई था उसको भी वहीं पर बैठने के लिए बुलाया जाता है, वो वहाँ पर साथ में बैठ कर डिनर करने लगता है। और उस समय पे जो रिचार्ड था वो पूछता है कि तुम्हारे बारे में कुछ बताओ क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में तो नहीं सुना। और तभी ऊंचाई बोलता है वो अपने बारे में और वो बोलता है मैं एक लॉयर हूँ। जब उस अपने पापा का नाम बताता है उस टाइम पे वो बोलता है अरे वो तो वही है ना जिन्होंने फ्रॉड किया था। और ये सुनने के बाद ऊंचाई का तो मुंह ही बन जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके डैड के बारे में बकवास कर रहा था। और तभी एनोंग को तो इसके बारे में पता नहीं था, वो शौक में आ जाती है। और उस टाइम पे जो एनोंग का भाई था जेंग वो यहाँ पर कवर अप करने के लिए आता है और वो बोलता है जो भी बात बनी वो बस एक कहने की बात है, अफवाह प्रूव नहीं हुआ है। और तभी जो रिचार्ड था वो बोलता है अगर प्रूव नहीं हुआ है तो उस टाइम पे लोग क्यों बात बनाएंगे। ऊंचाई को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम लोगों की आदत है दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की, अगर तुम लोग तुम्हारे पास कोई एविडेंस है मेरे डैड के अगेंस्ट में, मेरे डैड ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है या फिर कुछ किया है तो उस टाइम पर ठीक है, वरना तुम यहाँ पर तो लड़की देखने के लिए नहीं बल्कि उसके फैमिली के सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आए हुए हो, ये तो मुझे पता है, वरना एनोंग जैसी लड़की तुम्हें क्यों बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, तुम इतने वही आ तो बोल के उसे वहाँ से भगा देता है। एनोंग स्माइल करती है, उसे लगता है चलो बच गई, लेकिन उसको थैंक यू तो बोलना था चाहिए। और हमें ये दिखाया जाता है ऊंचाई को वो बुलाती है
और उसे थैंक यू बोलती है आज उस रिचार्ड के अक्कल ठिकाने पे लाने के लिए। इस सुनने के बाद मुझे बोलता है तुम्हें आदत होगी किसी को भी इजीली जज करने का, लेकिन किसी को इतनी इजीली जज करना नहीं चाहिए। और जो बंदा तुम्हारे भाई लेके आए थे तुम्हें देखने के लिए वो भी ऐसा ही निकला, तुम लोग की प्रॉब्लम ही है क्या? तभी जो पंग थी वो बोलती है ऐसी बात नहीं है। और तभी जो ऊंचाई था वो बोलता है तुम्हारा रिंग सचिन में खोया था, तुमने सही गेस किया था। और हमें ये पता चलता है ऊंचाई जो था उसने देखा था, जो होटल की मेड थी उसने अपने लवर के लिए उस रिंग को चुराया था, लेकिन बाद में उसके मन में रियलाइजेशन आया कि नहीं ये गलत है। और उसके बाद वो वापस लेके उसने देने की ट्राई किया और ऊंचाई ने पकड़ लिया। हालांकि उसे आइडिया था वो रिंग उसने चुराया हुआ था अपने लवर के लिए। और वो बोलता है कभी कभी लोग ना गलत सिचुएशन में फंस के गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होते हैं। उसने अपनी गलती को सुधारा ना वो मैटर करता है। और तभी जो अनंग थी वो बोलती है अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था? ऊंचाई बोलता है मेरे डैड गलत थे नहीं, उनके ऊपर ब्लेम लगा था और मेरे डैड हमेशा बोलते थे कि एक दिन सही सब कुछ सही हो जाएगा। तभी वो उससे बोलते कि अगर तुम्हें पता है तुम्हारा डैड गलत नहीं है तो तुम सबको क्यों नहीं बता देते एग्जैक्ट में क्या हुआ था? ऊंचाई बोलता है मेरे डैड ने किसी को बचाया था और किसी को बचाने के चक्कर में ब्लेम सब उसके ऊपर लग गया और वो बस वेट करते गए कि किसी दिन सब कुछ सही होगा और मैं भी इसी उम्मीद पर हूँ, ऐसा वो बोलता है। एनंग बोलती है तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं इजीली जजमेंट हो रही थी, लेकिन एक बात बताओ तुम भी तो बहुत जजमेंट हो रहे थे। इनफैक्ट तुम्हारी मॉम एक्चुअल में हुआ क्या था जब एनंग ने चैट को कॉल किया था उस टाइम पे उसकी मॉम को ये बोलते सुना था कि वो तो एक बीच से मतलब होता है ना डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया हुआ था कॉल पे कि उसने सुना था। और ये सब कुछ सुनने के बाद ऊंचाई बोलता है आई नो मॉम ने ज़्यादा बोल दिया होगा लेकिन वो उन्होंने इंटेंशनली नहीं बोला था। ये सुनने के बाद एनंग बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें लगता है दुनिया भर के सब लोग गलत है और तुम सही हो। तुम्हारा पॉइंट गलत है, मेरा तुम्हारा पॉइंट गलत नहीं है लेकिन मेरा पॉइंट गलत, ये फेयर नहीं है ना। ये सुनने के बाद ऊंचाई बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो एक काम करो। वो एक पेपर पे लिखता है विच और उसके बाद वो वहाँ पर जलाने के लिए बोलता है और वो बोलता है आज के बाद अपने लिए स्टाइल लेना सीखो, अगर कोई तुम्हें ऐसे जलील करता है उस टाइम पे उसको रोको क्योंकि यहाँ पर स्टाइल लेने के लिए कोई और नहीं आएगा। तुम्हें भले ही तुम्हारे पास चार या पाँच भाई है लेकिन फिर भी तुम्हें अपने लिए स्टाइल लेना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। वो स्माइल करती है। तो ड्रामे का आखिरी सीन ऐसा था जहाँ पर एनोंग आती है बड़े क्लास यूए में चैट के घर पे और वहाँ पर उसकी जो मॉम होती है उसको देख आई हुई है। ये जानने के बाद उनसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एनो दैट्स इट फर्स्ट एपिसोड एनसीआर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं बहुत जल्द लाऊँगी जो होगा इस वीकेंड का आखिरी दो दिन पर। तो मिलते हैं, कैसा लगा बताओ।